Today we will discuss about how settlement takes place in stock exchange. What is the procedure of settlement? Now, what is settlement? Settlement means when a buyer receives the share and the seller receives the money. Okay, let's see how it takes place. For example, A is a seller. He wants to sell the shares. And he lives in Delhi. And B is a buyer. He wants to buy the shares and he lives in Mumbai. Both the buyer and seller don't know each other. Buyer doesn't know who is seller and seller doesn't know who is buyer. And even their brokers don't know each other. Then how this settlement takes place? कि बायर के पास जो है वो शेयर्स पहुंच जाएंगे एंड सेलर रिसीव्स द मनी. कि लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेलर है ही अप्रोच द रजिस्टर्ड ब्रोकर, ब्रोकर को अप्रोच करेगा एंड प्लेसेस हिज ऑर्डर दैट ही वांट टू सेल 1000 शेयर्स ऑफ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एट रुपीज 1000 पर शेयर एंड ब्रोकर इश्यूज order confirmation slip to A and same way jo buyer hai he also approach the registered broker and places the order that he wants to buy 1000 shares of Tata Consultancy Services at rupees 1000 per share and his broker issues order confirmation slip to the buyer and after that jo seller ka broker hai he feeds that order in his system and wo unke jo system hote hain wo connect hote hain to the main stock exchange aur wo feed karega to wo jo sell order hai wo stock exchange mein jayega. Same way जो बायर है उसका जो ब्रोकर है जब वो ऑर्डर फीड करेगा बाय ऑर्डर वो डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज में पहुंच जाएगा एंड एक स्टॉक एक्सचेंज में जो एक ऑटोमेटिक ऑर्डर मैचिंग सिस्टम है एक सॉफ्टवेयर है जो कि ऑर्डर्स को मैच करता है. सेलर जो है वो 1000 पर सेल करना चाहता है एंड बायर जो है वो 1000 पर बाय करना चाहता है तो उनका ऑर्डर क्या हुआ मैच हो गया और जिस दिन ऑर्डर मैच हुआ that is a trade us din wo trade mein convert ho gaya to then jo stock exchange hai wahan se ek message jayega seller ke broker ke paas ki aapka jo hai wo trade ho chuka hai match ho chuka hai order and same message jo hai that is sent to the buyer's broker ki aapka trade ho chuka hai and the broker issues the trade confirmation slip wo issue karega सेलर का ब्रोकर सेलर को इशू करेगा एंड बायर का जो ब्रोकर है वो बायर को ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप इशू करेगा एंड देन ऑन द ट्रेड डे आफ्टर द ट्रेड डे क्या होगा कि जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं इनके क्लियरिंग हाउसेस होते हैं और क्लियरिंग कॉरपोरेशंस जो हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसका जो क्लियरिंग हाउस है दैट इज NSSCL. ये क्लियरिंग हाउस क्या करता है जितने भी ऑर्डर्स मैच हुए हैं जो भी ट्रेड हुआ है उनको डाउनलोड करते हैं इसके मेंबर्स एंड वो कैलकुलेशंस करते हैं कि कहाँ से हमें कितने शेयर्स लेने हैं और कहाँ से कितनी कितनी मनी लेनी है एंड किसको शेयर्स आगे ट्रांसफ़र करने हैं किसको मनी ट्रांसफ़र करनी है तो ये सारा कुछ क्लियरिंग हाउसेज हैं सारी कैलकुलेशंस करते हैं इंक्लूडिंग ब्रोकरेज चार्जेस कितने शेयर्स आएंगे कितनी मनी आएगी रिगार्डिंग दैट. ये जो क्लियरिंग हाउसेज होते हैं इनके साथ ना कुछ बैंक लिंक्ड होते हैं दैट इज अ क्लियरिंग बैंक एंड जो भी ब्रोकर्स होते हैं उनको क्या करना होता है कि ये जो क्लियरिंग बैंक्स हैं उसमें अपना एक बैंक अकाउंट ओपन करवाना होगा जो भी ब्रोकर्स हैं एंड वो जो बैंक अकाउंट ओपन होता है दैट इज पूल अकाउंट उसको हम क्या कहते हैं पूल अकाउंट
पूल अकाउंट वो अकाउंट होता है जिस अकाउंट में बहुत सारे अकाउंट से मनी आ सकती है, क्योंकि ये जो ब्रोकर्स हैं ये सिर्फ एक ही पर्सन से तो डील नहीं करते, दे डील विद मैनी अदर पीपल्स, तो बहुत सारे लोगों से डील करते हैं, तो बहुत सारे अकाउंट से इनके अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र हो सकती है, दैट इज़ द पूल अकाउंट। तो ये जो पूल अकाउंट है उन्होंने कहाँ पर ओपन किया हुआ है, क्लियरिंग बैंक में, एंड क्लियरिंग बैंक्स किससे जुड़े हुए हैं, एसोसिएटेड हैं, लिंक्ड हैं विद द क्लियरिंग हाउस से। एंड जो ब्रोकर्स हैं उनको एक अपना डीमैट अकाउंट भी ओपन करवाना होगा विद द डिपॉजिटरीज। जो सेलर का ब्रोकर है उसका भी एक डीमैट अकाउंट होगा, और जो बायर का ब्रोकर है उसका भी एक डीमैट अकाउंट होगा विद द डिपॉजिटरीज ना। और वो जो डीमैट अकाउंट होगा दैट इज़ आल्सो पूल अकाउंट, क्योंकि वो जो डिफरेंट अलग अलग जो अकाउंट से डीमेट अकाउंट से शेयर्स उनके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, दैट इज़ वाई दिस डीमेट अकाउंट इज आल्सो नोन एज पूल अकाउंट। राइट, आफ्टर दैट जैसे ही ऑर्डर मैच हुआ तो जो बायर का जो बैंक अकाउंट था दैट इज़ वो डेबिट हुआ विद ₹10 लाख, एंड वो जो मनी थी बायर के बैंक अकाउंट में से डेबिट हो गई, डिडक्ट हो गई, एंड वो मनी जो ब्रोकर है बायर का उसके पूल अकाउंट में क्रेडिट हो गई, बैंक अकाउंट जो कि उसने क्लियरिंग बैंक के साथ ओपन किया हुआ था उस अकाउंट में वो मनी क्रेडिट हो गई, यहाँ पर डिपॉजिट हो गई। तो ये जो डे है दैट इज पे इन डे, दैट इज पे इन डे, एंड ऑन द ट्रेड डे जो सेलर है उसके अकाउंट में से डीमैट अकाउंट में से शेयर्स डेबिट हो गए, एंड वो ब्रोकर के डीमैट अकाउंट में जो कि पूल अकाउंट है उसमें क्रेडिट हो गए, दैट इज पे इन डे। तो पे इन डे को क्या हुआ, बायर के बैंक अकाउंट में से मनी डिडक्ट होकर ब्रोकर के पूल अकाउंट में डिपॉजिट हो गई, एंड सेलर के डीमैट अकाउंट में से शेयर्स डेबिट हो गए और उसके ब्रोकर के पूल अकाउंट में क्रेडिट हो गए, डिपॉजिट हो गए। नाउ द नेक्स्ट डे दैट इज पे आउट डे, पे आउट और सेटलमेंट डे। इस दिन क्या होगा, ये जो 10 लाख रुपीस थे जो कि बायर के ब्रोकर के पूल अकाउंट में थे यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएंगे सेलर का जो ब्रोकर है उसके पूल अकाउंट में जो उसने क्लियरिंग बैंक के पास ओपन किया हुआ है, और बायर के जो जो सेलर के ब्रोकर है यहाँ पर मनी आ गई 10 लाख रुपीस, एंड यहाँ से जो जो 10 लाख रुपीस हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे सेलर के बैंक अकाउंट में, एंड सेलर रिसीव्स द मनी, दैट इज पे आउट डे। सेलर को मनी मिल गई। इन द सेम वे ये जो शेयर्स थे सेलर के वो उसके ब्रोकर के पूल अकाउंट में क्रेडिट थे, वो यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएंगे शेयर्स, एंड जो बायर है उसके ब्रोकर के डीमैट अकाउंट में 1,000 शेयर्स आ गए थे, और यहाँ से ये जो 1,000 शेयर्स हैं ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे बायर के डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है बायर रिसीव्स द शेयर एंड द सेलर रिसीव्स द मनी।